हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पबजी गेमिंग रिव्यू नए लॉन्च हुए रियलमी जीटी का, जिसकी खास बात यह है कि एक तो यार ये जो अपना पबजी है उसको ना 90 एफपीएस पे रन करता है और दूसरा इसमें आपको मिलता है 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले। आप ये देखो 120 हर्ट्ज पे मैंने सेट कर दिया है। अब अपना गेम कर लेते हैं और जल्दी से मैं आपको इसका टेम्परेचर भी बता दूं तो आप देखो कुछ 35.6 आपको 35.7 आपको ये 8B जो था वो आपको हाईएस्ट देखने को मिला है। बैटरी अगर आप देखोगे तो अभी 88 है। अब गेम करते हैं शुरू। तो दोस्तों गेम हो गया है शुरू। आपको यार जैसा मैंने बताया सीधे पहले ग्राफिक्स में जाते हैं, देखो यार यहाँ पर आपको 90 FPS साफ साफ देखने को मिलेगा, जो कि सबसे सही चीज़ यार मुझे लगी है कि भाई 90 FPS में सीधे सीधे आपको बिना किसी जुगाड़ के भाई मिल रहा है, कोई GFX 2 कुछ नहीं है। ये देखो स्मूथ पे 90 FPS है, बैलेंस पे आपको 60 FPS मिलेगा, HD पे भी 60 है, HDR पे भी, और इस पे यार मैंने ऑलरेडी चेक करके रखा था ये आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट पे आ जाएगा यहाँ पर अल्ट्रा HD पे, और हम लोग स्मूथ और 90 FPS पे इसको खेलने वाले हैं। तो देखते हैं कि भाई 90 FPS ये कितना और किस तरीके से मेंटेन कर पाता है। अब चलते हैं हम लोग हमारी ग्राफिक्स टेस्ट करने वाली बिल्डिंग की तरफ। तो दोस्तों देखो यार गेम तो अपना शुरू हो गया, अपन ने एक दो लोगों को निपटा भी दिया, तो मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस भी बता देता हूँ। तो यार देखो एक मिनट, और भी कोई आ गया यार। तो मैं जो आपको बोल रहा था इसके स्पेसिफिकेशंस में आपको बता दूँ तो इसमें आपको मिलता है 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जी हाँ ठीक है ना, 120 Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट यार ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद भाई स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है भाई, एकदम तगड़ा प्रोसेसर यार, आपको पता है भाई बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। तो देखो मतलब गेमिंग तो हमारी अच्छी रहेगी लेकिन हीटिंग वीटिंग का क्या हिसाब किताब रहेगा और ये सब यार अपने को ना ड्यूरिंग द गेम प्ले भाई मालूम पड़ ही जाएगा। आपको पता है हम लोग पूरा एंड में भी पूरी डिटेल में बात करेंगे कि हाँ भाई हीटिंग कितनी हुई है क्या है। आगे जो बैटरी है भाई वो आपको मिलती है इसमें 4500 mAh की, जो कि है भाई 65 W की फास्ट चार्जिंग के साथ, ठीक है। तो बैटरी में भी भाई ठीक ठाक है यार, साइज़ में ठीक ठाक है, बैटरी का साइज़ तो सही है लेकिन चार्जिंग स्पीड भाई बहुत बढ़िया है, तो आपको वो वाली भी परेशानी नहीं रहेगी कि भाई जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि बैटरी का बैकअप तो अच्छा रहेगा लेकिन चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी हिसाब किताब सही है। कैमरा पे आ जाओ तो भाई 64, 8 and 2 MP का कैमरा है, जो 8 MP का है वो अल्ट्रा वाइड है और जो 2 MP का है वो मैक्रो है, और 16 MP का भी फ्रंट कैमरा भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैमरा वाइज भी भाई एकदम सही है लेकिन गेमिंग के लिए कैसा है वो तो यार आपको इस वीडियो के एंड पे हम लोग पूरा फाइनल वर्डिक्ट में बात करेंगे कि भाई कितनी हीट होता है। 35.8 से हमने शुरू किया है खेलना तो कितना जाएगा ये अपन लोग भाई देखते हैं। सो दोस्तों आ गए हम लोग हमारी ग्राफिक्स टेस्ट करने वाली बिल्डिंग पे, और यार जैसा हमें स्नैपड्रैगन 888 से उम्मीद थी कि भाई आप हमारे ब्रिक टेस्ट से हम लोग शुरुआत करें, तो देखो यार ब्रिक्स एकदम क्लियर है, बीच की लाइन जो है वो भी आपको एकदम क्लियर देखने को मिलेगी। ये वाला एरिया धुंधला होता है लेकिन जो बीच की लाइनें अक्सर मर्ज हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो टिप है वो भी कहीं से कहीं तक मर्ज नहीं हो रही है, आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आसमान में और इस टिप में, घास ले लो चाहे पत्थर ले लो, सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। तो भाई कोई पूछता है कि भाई जो ग्राफिक्स हैं वो कैसे हैं हमारे रियलमी GT के, तो भाई हम बोलेंगे बहुत बढ़िया है, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। रही बात जायरोस्कोप की, बहुत सारे दोस्त हमेशा बोलते हैं भाई जायरोस्कोप टेस्ट जरूर बताया करो, तो यार उनके लिए हमने हमारा ये एक जायरोस्कोप टेस्ट भी बनाया है जिसमें हम लोग हमेशा यहीं खड़े होके जाते हैं सेटिंग्स में और जायरोस्कोप को कर देते हैं ऑन। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो आपको किसी टाइप का कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप ये देखो यार इसमें भी आप आराम से फायर कर पाओगे, कोई भी किसी टाइप का डिले नहीं है। तो अगर कोई पूछता भी कि जायरोस्कोप मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और इस फोन में मैं जायरोस्कोप यूज़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो यार आप आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डिले नहीं देखने को मिलेगा, आराम से आप सामने वाले को पेल देना, ऐसा है, ठीक है। तो देखो ग्राफिक्स इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जायरोस्कोप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी कहीं ना कहीं भाई अभी हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट ही हुए लेकिन फ़ोन पीछे से हल्का सा गर्म होने लगा है, लेकिन ठीक है देखते हैं कि यार गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। और यहाँ पर एक बार आप देखो हमने इसको जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यार आप यहाँ पर जाके अगर देखोगे, एक मिनट को लोग आ गए पहले इनको देखने उसके बाद आगे की चीज़ करते हैं।
तो दोस्तों अब वक्त आ गया हमारे बग्गी टेस्ट का, जिसमें आपको बताया हम लोग जो टायर के अपने ग्रिड्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यार देखो, जैसे हमें ग्राफिक्स टेस्ट में रिजल्ट देखने को मिले थे सेम, एक मिनट लो यार देखो, मुझे एक बार कहेगा कि भाई बंदा ऑफलाइन है, मैं तो बोलने वाला था कि लो यार एक बंदा तो ऑफलाइन ही मिल गया, लेकिन इसने तो बंदूक उठा ली थी यार। लोग भी क्या ऐसी चालाकियां करते हैं, या फिर ये लिटरली वाकई में ऑफलाइन था? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में, बट मेरे हिसाब से तो यार देखो वो एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि ऐसा थोड़ा होगा कि भाई हमने उसको मारने के लिए अटैम्प किया और एकदम से वो ऑनलाइन आ गया। खैर चलते हैं हमारे बग्गी टेस्ट की तरफ यार वापस से। तो आप जैसा देखेंगे मैं आपको ये बता, टायर के ग्रिड्स को देखोगे आप, क्लियर है टायर आपको प्रॉपर घूमते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई स्लो है तो भी सेम घूम रहे हैं, फास्ट है तो भी सेम घूम रहे हैं। आप देखो, आप स्लो करोगे तो यार टायर आपको स्लो होते हुए, अक्सर जो दूसरे फोन उनमें ऐसा होता है कि भाई टायर या तो घूमते हुए पता ही लगते हैं आपको, या फिर भाई ऐसा हो जाता है कि जो डिटेल्स है वो थोड़ी वीक होती है, जो ग्रिड्स हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखते। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से इसने हमारा ग्राफिक्स टेस्ट पास किया था Realme GT ने, उसी तरीके से हमारा बग्गी टेस्ट भी इसने पास कर लिया है। अभी गेम पे रखते हैं कंटिन्यूली, ऑलमोस्ट हमारा जो टाइम है वो पूरा भी होने वाला है। तो देखते हैं यार कि फाइनल वर्डिक्ट में जो जब हम लोग हमारा टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे तो कितना बढ़ता है, क्योंकि फ़ोन देखो पीछे से गर्म तो लग रहा है। सो लेट्स सी कि क्या फ़ोन गर्म होके कुछ गड़बड़ होती है या फिर नहीं, जो स्मूथ गेम प्ले अभी तक हमें मिला है वैसा ही कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप देखो यार, हमें एग्जैक्ट 41 मिनट्स हुए। पहले जल्दी से मैं आपको एक बार टेम्परेचर बता दूं, तो यार आप देखो 42 पॉइंट हमें कुछ देखना है, लेकिन 41.5 लेते हैं। तो यार 42.2 भी हमें लेने नहीं देखने को मिला था, जो मैक्स अभी तक का आया था, ठीक है ना। सो ये है अभी यार देखो, बात करते हैं अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की, ठीक है ना। सो भाई पहले हिटिंग होती है या नहीं होती है, तो यार देखो 35.8 से हमने शुरू किया था, अभी 42.7 था, तो कहीं ना कहीं फ़ोन देखो गर्म तो हुआ, लेकिन ठीक है उसका देखो गेमिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए हम लोग भाई बोलते हैं यहाँ पर एरिया पास है। हाँ अब ये भाई चार्जिंग भी लगा के मत खेलना, वरना हो सकता है भाई ज़्यादा गर्म हो जाए, वो वाली चीज़ भी एक ध्यान रखना, ठीक है। गेमिंग के लिए कैसा है पूछो कि भाई गेमिंग के लिए बढ़िया है, आँख बंद करके ले सकते हो आप, 888 प्रोसेसर है, बहुत बढ़िया काम किया है, कोई दिक्कत नहीं, हमने आराम से ऑलमोस्ट 41 मिनट्स खेले, वो भी कंटिन्यूसली बिना रुके, ये वाली चीज़ भी है, ठीक है। FPS के ऊपर अगर बात कर लीजिए तो यार देखो ये आपको भाई सीधे सीधे देखो यहाँ पर 90 FPS आपको मैंने जैसे शुरू में बताया था भाई सीधे सीधे आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ पे आपको 90 FPS देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ टाइम 60 FPS ही दिखाई, क्योंकि यार आपको ही पता है अभी मतलब चलता रहता है हिसाब किताब वाला, तो एक ये है, ठीक है। तो यार देखो FPS आपको बढ़िया मिल रहा है, गेम्स पे स्मूथ है, ग्राफिक्स की जो क्वालिटी वो भी अच्छा है, जायरस को भी बढ़िया काम करता है। तो भाई ऑफकोर्स यार देखो 888 से भी हमें यही सारी उम्मीदें थी, तो हमारी उम्मीदों में एकदम खरा उतरा है। तो गेमिंग के लिए भाई ये Realme GT बढ़िया फोन है, आप डेफिनेटली इसे देख सकते हो। इसके कुछ वीडियोस भी ऑलरेडी स्पीड टेस्ट वगैरह ऑनलाइन है, आप जाके जरूर देखना, और कोई सी वीडियोस देखना हो प्लीज कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी थोड़े मजे ले पाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।